तो पहाड़ में कहीं ऐसी जगह बनाई कि वो दिखाया था कि तालिबान शबाना का दे वर लाइक ट्राइंग टू रेप हर एंड एवरीथिंग. तो वो एक सीन था जो हम करने की कोशिश कर रहे थे. तो उसी में मुझे एक वहाँ पे बिच्छू काट गया. इट्स कॉल्ड अ ब्लैक स्कॉर्पियन. अच्छा. स्वात में होता है, वो बहुत डेंजरस होता है. तो उसके लिए हर वक्त उन्होंने मॉर्फिन्स वगैरह रखे हुए होते हैं वहाँ पे. तो वो मुझे काटा है कहीं, तो मुझे तो कभी पहले बिच्छू नहीं काटा, कुछ मच्छर का पता है सिर्फ कि वो काटा है. एनीवेज आई कुछ सेंसेशन शुरू हुई, तो अब वो सीन हो रहा है वो तालिबान सॉर्ट ऑफ लाइक ही इज ऑन मी, और मैं कह रही हूँ मुझे कुछ काट गया है. तो मेरी टांग में कुछ काट गया. तो फिर वहाँ जो लोकल से उन्होंने कहा यार बिच्छू काटा है इन्हें और इन्हें फ़ौरन अभी अभी लेके जाएं CMH. तो मैं जमाल शाह साहब की रिवेंज ऑफ द वर्थलेस करने जा रही थी. एंड बेसिकली ये फिल्म इट्स बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी, ट्रू इवेंट्स. तो उसमें मलाला का भी कैरेक्टर था, एक शबाना का भी कैरेक्टर था, मैं प्ले कर रही थी. तो उस फिल्म के दौरान कुछ इस तरह हुआ कि हम सवात में शूट कर रहे थे इन अ ग्रेवयार्ड. तो जिस जगह पे शूट कर रहे थे, एक तो हम बहुत नेचुरल दिखाने की कोशिश करते हैं ना हर चीज़, हम नहीं कहते कि ये सेट है. तो पहाड़ में कहीं ऐसी जगह बनाई कि वो दिखाया था कि तालिबान शबाना का दे वर लाइक ट्राइंग टू रेप हर एंड एवरीथिंग. तो वो एक सीन था जो हम करने की कोशिश कर रहे थे. तो उसी में मुझे एक वहाँ पे बिच्छू काट गया. इट्स कॉल्ड अ ब्लैक स्कॉर्पियन. अच्छा. स्वात में होता है, वो बहुत डेंजरस होता है. तो उसके लिए हर वक्त उन्होंने मॉर्फिन्स वगैरह रखे हुए होते हैं वहाँ पे. तो वो मुझे काटा है कहीं, तो मुझे तो कभी पहले बिच्छू नहीं काटा, कुछ मच्छर का पता है सिर्फ कि वो काटा है. एनीवेज आई कुछ सेंसेशन शुरू हुई, तो अब वो सीन हो रहा है वो तालिबान सॉर्ट ऑफ लाइक ही इज ऑन मी, और मैं कह रही हूँ मुझे कुछ काट गया है. तो मेरी टांग में कुछ काट गया. तो फिर वहाँ जो लोकल से उन्होंने कहा यार बिच्छू काटा है इन्हें और इन्हें फ़ौरन अभी अभी लेके जाएं CMH. तो वो मुझे उन्होंने मतलब इतना कुछ नहीं होता, एक्सट्रीम होता है, उस पर डाला उन्होंने स्ट्रेचर पे. दे टुक मी टू CMH. उन्होंने मुझे मॉर्फिन लगाई है. मुझे इतना याद है जमाल शाह साहब मेरे साथ खड़े हुए हैं और वो मुझे कह रहे हैं कि अम्मी से बात करनी है. तो मुझे ऐसे लगा कि ये मेरे लास्ट मोमेंट्स हैं एंड आई एम डाइंग. और मैं आपको बात बताऊँ, ये हकीकत है कि जब अल्लाह ताला के बहुत आप करीब जाने लगते हो तो वो 10-15 सेकंड्स होते हैं आपकी ज़िंदगी के, जब आपको बचपन से लेके पैदा होने तक सारी आपके सामने लाइफ आती है. ये हकीकत है. मैंने दो बार एक्सपीरियंस किया है एक महीने के अंदर. एक महीने के अंदर नेम सुना आपने? एक महीने के अंदर, एक महीने में, मतलब अल्लाह ताला क्या चाहता है उससे. आई ऑलवेज क्वेश्चन हिम. लेकिन एनीवे, तो उसके बाद मॉर्फिन्स लगे हैं. मैंने कहा जमाल शाह साहब वापस चलते हैं, आपका सेट लगा हुआ है. उन्होंने कहा आप मेबी रेस्ट करें. सो आई रेस्टेड फॉर अ कपल ऑफ डेज. आई वेंट बैक टू माई शूट. वो कंप्लीट होने वाली थी तो पहाड़ों से नीचे हमारी गाड़ी आ रही थी इस्लामाबाद के कई सबर्ब्स में. वो सड़कें बनी नहीं होती हैं. तो वहाँ पे जमाल शाह साहब की वाइफ की वो नॉन हाइड्रोलिक डबल कैबिन जो होती है पुरानी वाली, जिसको ज़्यादा ब्रेक लगाएंगे तो ब्रेक फेल हो जाएगी उसकी, तो उससे हम 6 गाड़ियों को उतर रहे थे और उसमें हमारी शूट हो रही थी, ब्रेक्स फेल हो गए. नाउ शामिल खान इज ड्राइविंग द कार एंड आपको सेंस नहीं होता कि आप मुझे देखें, मुझे सेंस हो जाएगा, पेरिफेरल विजन दैट यू ट्राइंग टू से समथिंग टू मी. और उसने मेरे तरफ देखा शामिल, उसने कहा, मैंने कहा क्या कह रहे हो, ये क्या होता है, मैं फ़ोन पे थी. कहता है और एकदम से बस आवाज़ आई है डज गड़ाज. और उसके पास दो ऑप्शन थे, या खाई में गाड़ी डालता या वो पहाड़ पे चढ़ाता. तो उसे पहाड़ पे चढ़ाइए एंड दोज 5 सेकेंड्स अगेन ऑफ माई लाइफ वर टेरेबल, बिकॉज मुझे नहीं पता कि गाड़ी में हमारे 3 क्रू के बंदे हैं, एक शामिल है, एक मैं हूँ. हम उस गाड़ी में किधर थे और क्या हो रहा था, और मुझे नहीं पता कि मैं ज़िंदा हूँ या मैं मर गई हूँ. और वो गाड़ी कहीं पॉइंट पे बिल्कुल आप समझ लें कि ये खाई है तो यहाँ आके उल्टी. उसके पास ऑप्शन नहीं था, तो उसने पहाड़ पे चढ़ा दी, ब्रेक तो लग नहीं रहा था, तो वो ऊपर गई है और वहाँ से नीचे डिच के पास आके उल्टी. और मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ, सब निकल गए, आई डोंट नो वेयर आई एम. और मुझे ना एक टनल की लाइट नजर आ रही है, मैं समझ रही हूँ ये जन्नत है, क्योंकि मुझे तो पूरा गुरूर है कि मैंने जन्नत में जाना है. मैंने कहा ये क्या है, देयर इज अ लाइट समवेयर फार अवे. आवाज़ आई मायरा किधर है, मायरा किधर है. तो कहीं मायरा, जैसे वूम में बच्चा होता है ना अपने माँ के पेट में. सो आई वॉज फाउंड बिटवीन द स्टेयरिंग एंड द विंडस्क्रीन. बिल्कुल ऐसे हुई भी थी. तो मुझे खींच के गाड़ी में से निकाला है और मैं कांप रही थी लिटरली, बिकॉज फिर मैंने अपनी पूरी जिंदगी देखी कि मैं फिर बच गई हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह, इट वॉज अनबिलीवेबल. देन दे टुक मी टू हॉस्पिटल और डॉक्टर ने कहा इनकी तो उंगलियाँ मुंगलियाँ टूट गई हैं, तो उन्होंने मुझे प्लास्टर करके घर भेज दिया. अगले दिन मैंने ऐसे किया तो उंगलियाँ हिल गई, मैंने प्लास्टर उतारा तो मेरी उंगलियाँ ठीक थी. शामिल की वाइफ ने कहा शामिल के साथ कोई ड्राइव ना करे, कोई ना करे, बिकॉज शामिल इज प्रोन टू एक्सीडेंट्स. लवली. तो फिर मैं वहाँ से बची हूँ, ये सेकेंड टाइम है बची. माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे. ट्रू.